नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, पिछले दो महीना से चंद्रयान 2 की जमकर चर्चा हुई। हमारे भारतवासी, बुंदेलखंडवासी, हम सब ने खूब जमकर के खुशी मनाई। अलग अलग तरह से लोगों ने भारत को बधाइयाँ दी और ख़ासकर बधाइयाँ सरकार को दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोगों ने दिया। और भाई, खुशी क्यों नहीं होगी जब हमारा भारत इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। चंद्रमा में जाकर के लोगों को बसाने की बात हो रही है, इसकी खोज की जा रही है, तो खुशी तो बनती ही है। और मैंने भी खूब खुशी जाहिर की, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि चंद्रयान 2 को सफल बनाने में, उसको वहाँ भेजने में महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहा, सबसे बड़ा योगदान रहा। इसलिए मैंने इस बात को अलग अलग तरह से पेश करी और कही। लेकिन एक और, मतलब इसके अलावा और भी है, मेरे इसमें कई तरह के सवाल हैं। और मुझे पता है कि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये मेरी बात, मेरी सोच या जो भी मैं कहने वाली हूँ, वो शायद आप लोग इससे सहमत ना हों। और ज़रूरी नहीं है हर बात में सबका सहमत होना, तो ज़रूर से आप इस पर अपने सुझाव, राय और टिप्पणी दीजिएगा। तो साथियों, मैं पिछले 20-25 साल से समाज में काम कर रही हूँ और 18 साल से मैं रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ। और खबर लहरिया में पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने रिपोर्टिंग के दौरान बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। खासकर मैंने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। मैं समाज को बहुत ज़मीनी हकीकत से देखी हूँ। मैंने लोगों का तड़पना देखा है, मैंने लोगों की तकलीफ़ें देखी हैं, मैंने देखा है ज़मीनी स्तर पर कि किस तरह से अव्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं किस तरह से उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जिस तरह से बुंदेलखंड में, या मैं पूरे भारत को भी कहूँगी, जिस तरह से लोग इस समय कठिनाई में जीवन जी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पानी है, हवा है और खाना है, लेकिन ये तीनों चीज़ किस तरह से हमारी ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं। मैं अपने रिपोर्टिंग के ही दौरान जो मैंने देखा है कि किस तरह से लोग प्यास के लिए तड़पते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिलती हमको, इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और कई जगह मैं पढ़ती हूँ कि पानी का लेवल तो कुछ सालों के बाद में ख़त्म होने वाला है। जो मिट्टी है, इसमें इतना बुरा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, कि जिस तरह से अनाज की पैदावार होना चाहिए, वो पैदावार अब नहीं हो रही है। पुराने ज़माने के जो अनाज थे, जो हम खाते थे, जिससे हमारी अच्छी सेहत रहती थी, वो सारे अनाज विलुप्त हो गए हैं, पैदा नहीं हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बात करना चाह रही हूँ। और ये सब देख करके जब मैंने देखा कि हमारा भारत इतनी बड़ी तरक्की कर गया, इतना इतिहास रचने जा रहा है, तो खैर खुशी तो हुई। लेकिन इसके बाद चूंकि अब सबको खुशी है, तो मैं इसको नकार नहीं सकती। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि अगर हमारा देश तरक्की करे, लेकिन इस तरक्की के साथ हम किस तरह की तरक्की कर रहे हैं, बस ये मेरा सवाल है। उस चांद पर जहाँ का अभी हम सपना देख रहे हैं कि हम चंद्रमा, चाँद के पार चलो, हम चंद्रमा में जाएंगे, हम वहाँ पर रहेंगे, वहाँ हवा होगा, पानी होगा, ये वो चीज़ें, और उसके लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इतना अपना समय लगाया, इतना सारा पैसा लगाया, हे भगवान, इतना सारा पैसा जो मतलब लगाया गया उसमें। और जब मैं देखती हूँ कि ज़मीनी हकीकत क्या है,
चांद पर जहां हम सपना देख रहे हैं, जहां पर बसने की बात कर रहे हैं, जहां का अभी अस्तित्व नहीं है, और दूसरी तरफ जहां पर दुनिया बसी है, जहां पर इंसान है, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जो खतरे में हैं, जिनको बचाने के लिए कोशिश होनी चाहिए, जहाँ पर सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, इन चीज़ों को, इन जिंदगियों को बचाने के लिए क्यों कोई इतना बड़ा शोध नहीं किया गया, क्यों ये जो पैसा है वो ऐसी चीज़ों पर क्यों नहीं खर्च किया जा सकता, ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, ये धरती हमारी बची रहे। क्योंकि अगर चांद पर कोई जाएगा भाई, तो वहाँ पर सब लोग तो जा नहीं पाएगा, बहुत अमीर वाले लोग जाएंगे, जो बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, पैसा वाले हैं, कंपनी वाले हैं, लेकिन जो धरती में रह रहे हैं उनका क्या होगा। तो हम चांद पर जाएं, हम चंद्रयान 2 भेजें, चंद्रयान 3 भेजें, हम ज़रूर से इस खोज को करें, लेकिन सबसे पहले जो मैं ओपिनियन के दौरान कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी है कि जहाँ पर हम बस रहे हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसके लिए भी ध्यान देना, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, चाहे हमारी सरकार हो, बहुत ज़रूरी है। जब चंद्रयान 2 भेजा गया और इसकी चर्चा जिस तरह से हो रही थी, मैं सोशल मीडिया में जो पढ़ूँ आज तक भी, अब मुझे ये भी लगता है कि अभी शायद ये चर्चा काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। मैंने पढ़ा और बहुत सारे वीडियो में देखा कि चंद्रयान 2 का श्रेय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग दे रहे हैं, लोग नरेंद्र मोदी को बधाइयां दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है तब मतलब इस तरह का मिशन कामयाब हो रहा है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं खलती है, इससे मुझे टीस पैदा होती, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 2 को बनाने में, उसको कामयाब करने में महिलाओं का, वैज्ञानिकों का हाथ है, उन्होंने कितनी मेहनत की, और सिर्फ ये सरकार का श्रेय नहीं है, अरे भैया वैज्ञानिकों ने पढ़ाई करी है, उसके लिए उन्होंने अपना दिमाग खर्चा किया है, उन्होंने अपनी सोच डाली है, अपना पैसा लगाया, इसकी तैयारी की है, और चंद्रयान 2 को तैयार करने में इतनी मेहनत लगी है, तो इसका श्रेय मोदी जी को क्यों, इसका श्रेय जो वैज्ञानिक हैं उनको है, जो इनकी संस्था है, जो इसरो संस्था है, उनको इसका श्रेय है। अरे हमारे, हमारी जो जनता है, आप लोग क्यों नहीं ये सब चीज़ों को समझते हैं। कुछ भी हो अपने भारत में, श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री जी को जाएगा, सिर्फ सरकार को जाएगा। अरे भैया इसके आगे भी तो कुछ है, वो लोग भी तो हैं, लोग क्यों नहीं उनकी बात कर रहे। हाँ कुछ लोग हैं, मैं ये भी कहूँगी भैया, दोनों तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, जिन्होंने इसके बारे में बोला है, सवाल भी उठाया है, टिप्पणी भी की है, जो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे लगता है कि ज़रूर से लोगों को ये वाली बात तो मेरी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकार के पक्ष में होंगे, इस पक्ष में तो होंगे नहीं। तो जो श्रेय वाली बात है वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी छोटी सी टूटी फूटी चीज़ भी होती तो इतना बड़ा हुआ बन जाता है, चंद्रयान 2 वाली तो भैया बहुत बड़ी बात है। तो खैर मैं ये, क्योंकि ये मेरे मन में था, ये सवाल था, मेरे लिए कहना ज़रूरी था, अपना ओपिनियन रखना ज़रूरी था। बस मैं फिर से कहूँगी कि जिस तरह से मैंने समाज में मुसीबतें, तड़पना, तकलीफ, दुख सब कुछ देखती हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार भी है, मैं कभी ऐसा नकारात्मक सोच नहीं रखती हूँ, लेकिन जिस तरह से भारी भरकम बजट खर्चा किया जाता है, ऐसी चीज़ों में सोच और दिमाग लगाया जाता है, तो मेरा वैज्ञानिकों से अनुरोध है, और मैं कहना चाहती हूँ अगर मेरी बात उन तक पहुँचे, कि जो हम ज़मीन में रह रहे हैं, जो लोग यहाँ की दुर्दशा बहुत बुरी है, हो सकता है कि यूपी से हट के कहीं और कि जो पानी है, मिट्टी है, हवा है, वो अच्छी होगी, लेकिन चूंकि मैं यूपी में काम कर रही हूँ, मैंने बुंदेलखंड में काम किया है, यहाँ की दुर्दशा को, यहाँ की दयनीय स्थिति को, बिजली, पानी और ज़मीन पैदावारी, किसान, मैंने इनको बहुत नज़दीकी से, मेरा बहुत जुड़ाव है और मैंने देखा है, इसलिए अगर वैज्ञानिक कभी अपना समय निकाल करके पानी के बारे में सर्च करें कि पानी को हम कैसे बचाएं, पानी के लिए हम कितना खर्चा करें,
हवा हमारी कैसे शुद्ध हो सकती है, और हमारी सरकार जानती है कि कैसे हवा को ठीक किया जा सकता है, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, लेकिन इस पर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा। तो अगर इतना सारा पैसा इन चीज़ों में लगा दिया जाए, हमारे वैज्ञानिकों का सपोर्ट मिल जाए, उनकी तरफ से कोई शोध हो जाए, तो जो जिंदगियां हैं वो आगे की जो हमारी पीढ़ी आएगी उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, और ये शायद आगे की पीढ़ी बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को काट पाएगी। तो मैं अपनी बात यहीं पर इस बार के लिए समाप्त करना चाहती हूँ। बाकी जो मेरे साथी हैं, जो मेरा शो को देख रहे हैं, अगर उनके भी ज़मीनी स्तर से लेकर के, समस्याओं से लेकर के, या वैज्ञानिकों से कोई मांग है, कुछ कहना चाहते हैं, तो ज़रूर से आप लोग अपनी टिप्पणी रखिए। तो साथियों, आप बताइए कि ये वाला शो आपको कैसे लगा, आप ज़रूर से टिप्पणी और सवाल भेजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर शो आप तक पहुंचता रहे, और खबर लहरिया के बहुत सारे वीडियो भी आप तक पहुंचते रहे। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और अपने इलाके के मुद्दे भी शेयर करिए। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।